आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन द्वारा लिखी किताब सनरेज फॉर संडे के कहानियों के संग्रह से एक कहानी। कहानी का नाम है आप गलत पते पर आ गए हैं। एक रबी धर्मोपदेशक इब्रू भाषा में लिखी यहूदियों के पवित्र ग्रंथ तोराह के विषय में अपने कुछ यहूदी शिष्यों को बता रहा था। एक दिन पढ़ाई करते हुए उन शिष्यों के सामने एक पंक्ति आई जिसमें कहा गया था कि असली इंसान वही है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुराता रहे। युवा शिष्य उस पंक्ति से निकलते अर्थ को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रब्बी के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, यदि वास्तव में हम किसी मुसीबत में हैं तो ऐसी परिस्थितियों में मुस्कुराना कैसे संभव है। रब्बी ने आंखों से चश्मा उतारा और विचारपूर्वक भाव के साथ अपने शिष्यों की तरफ देखा और कहा, मैं भी इस बात का उत्तर देने में असमर्थ हूं। सच बात तो यह है कि जब मैं भी किसी मुसीबत में होता हूं तो मुस्कुराना भूल जाता हूं। कक्षा में गुरु और शिष्य सभी इसके बारे में सोचने लगे। सभी ओर सन्नाटा छाया था। कुछ क्षण के मौन के बाद रबी ने कहा, बहरहाल मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि जो तुम्हें इस बात का उत्तर दे सकता है। इसके बाद उसने शिष्यों को एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताया जो उसी शहर में उनके धर्मस्थल के पास रहता था। बचपन से ही उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया, इसलिए वह एक अनाथ की तरह पला बड़ा। जब वह बड़ा हुआ तो एक सड़क हादसे में उसकी दोनों टांगें कट गईं। उसका जीवन संघर्ष की एक लंबी कड़ी रहा है। दर्द और कष्टों की एक दुख भरी कहानी है। यह सब बताने के बाद रबी ने कहा, पर इसके बावजूद वह बूढ़ा व्यक्ति कभी उदास नहीं होता। उसके होठों पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। वह बहुत ही कमाल का इंसान है। तुम्हें उसके पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर पूछना चाहिए। उस साहसी व्यक्ति के बारे में सुनकर सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सभी उसके घर गए और दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। वह व्यक्ति खुद अपनी पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर बड़ी फुर्ती के साथ दरवाजे तक आया और कुंडी खोली। उसने उन सभी युवा शिष्यों का स्वागत किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। एक युवा शिष्य ने हिचकिचाते हुए कहा, सर दरअसल हम क्लास में इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जीवन में आने वाली गंभीर मुसीबतों और कठिनाइयों के बीच कोई व्यक्ति किस प्रकार अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रख सकता है। रबी ने हमसे कहा कि इसके बारे में केवल आप ही हमें बता सकते हैं, तो सर कृपया करके इसके बारे में कुछ बताएं। वहां खड़े दूसरे शिष्यों ने एक स्वर में कहा, आखिरकार इतनी पीड़ा और कष्टों के बीच आप किस प्रकार मुस्कुराते रहते हैं। रबी ने हमें बताया कि आप ही वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो समस्या को सुलझा सकते हैं। उस वृद्ध अपाहिज व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप शायद गलत पते पर आ गए हैं। मेरी उम्र 73 साल है और अपने जीवन के इन तमाम सालों में मैंने कभी जाना ही नहीं कि कठिनाई किस चीज का नाम है। ईश्वर सदैव मेरे प्रति दयालु रहे हैं। उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है। वह सदैव मेरी रक्षा करते हैं। भला मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि मुसीबत के समय किस प्रकार मुस्कुराया जा सकता है। सचमुच वह व्यक्ति ईश्वर के बहुत निकट रहकर जीवन व्यतीत कर रहा था। हमें मुसीबत के समय कभी यह नहीं कहना चाहिए कि हे ईश्वर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, बल्कि यह कहना चाहिए कि अरे मुसीबत मेरे पास सबसे बड़े भगवान हैं, और देखना इसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता कहानियाँ किससे लाता रहूँ। तो आपसे जल्द मिलूँगा किसी नई कविता कहानी या किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।